अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कप्तान शान मसूद ने आज एक मीडिया टॉक की है जिसके अंदर उन्होंने सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बात की है कि सरफराज को हम जो है वो प्रेफरेंस देंगे रिजवान के ऊपर। ये बयान ने क्यों दिया, यही हम आपको बताने लगे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान टेस्ट टीम जो है, टेस्ट स्क्वाड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है और भरपूर तरीके से प्रैक्टिस भी जारी है, तो उनका ये कहना था कि हम ओपनिंग जो है वो इमाम और अब्दुल्ला के साथ जाएंगे, नंबर थर्ड पे शान खुद खेलेंगे और फोर्थ पोजीशन में क्योंकि बाबर आजम सेटल हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनको नहीं उस पोजीशन से छेड़ेंगे। अब रिजवान और सरफराज की बात कर लेते हैं। रिजवान और सरफराज दोनों ही, जैसे कि हमें पता है कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो क्या वो दोनों इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई बुरी बात नहीं है, हम दोनों को प्लेइंग इलेवन में ला सकते हैं अगर हम सिर्फ एक बॉलर को भी कम कर लेते हैं उस मैच में। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अगर सिचुएशन सूट कर रही है तो हम फुल चार पेसर्स के साथ जाते हुए स्पिनर को कट करके हम यहाँ पे मोहम्मद रिजवान को छठे नंबर पे भी ला सकते हैं और सरफराज पांच पे आ जाएंगे क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं। रिजवान की अगर बात की जाए तो वो 44 एवरेज है उनके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जबकि सरफराज अहमद ने गुजस्ता जो सीरीज थी श्रीलंका के अगेंस्ट उसमें कमबैक भी किया था और काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए वो शान मसूद का कहना था कि जो परफॉर्म करके आए हैं, सेटल हैं, हम उनको नहीं छेड़ेंगे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जो है वो काफी ज्यादा टफ टाइम देती है, पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता हुआ, तो इस बार शान मसूद ने कहा था कि जैसे हमें अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करने की जरूरत है, टेस्ट स्क्वाड में भी जो है वो हमें बेहतरी लाने की और तेज खेलने की जरूरत है, और अगर अर्ली विकेट हासिल कर लेते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा टफ टाइम देंगे।